अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद अशना। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट फज ब्राउनीज, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती हैं। आप इसे आइसक्रीम के साथ भी खा सकते हैं। और इसे बनाने के लिए जो इंग्रीडियंट्स हमें चाहिए वो हैं, 1 कप हमने लिया है कोको पाउडर, 1 कप हमने ली है आइसिंग शुगर, 1 कप ही हमने मैदा लेना है, 1 टीस्पून हमने लिया है बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर लेना है और 1 टीस्पून ही हमने बटर लेना है, 2 अदद हमने अंडे लिए हैं, 1/2 कप हम वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करेंगे और 1/2 कप ही हम दूध लेंगे। चलिए अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अंडों को बीट कर लेंगे अच्छे से। जी तो अंडे हमारे अच्छे से बीट हो चुके हैं। अब हम इसमें आइसिंग शुगर शामिल करेंगे और इसे फिर से बीट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बीट करेंगे, लो स्पीड पे आपने इसे बीट करना है। जी तो हमारी आइसिंग शुगर भी बीट हो चुकी है। अब हम इसमें मक्खन शामिल करेंगे और अगेन बीट करेंगे। जी तो मक्खन भी बीट हो चुका है। अब हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे और अगेन बीट करेंगे। जी तो ऑयल भी बीट हो चुका है। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले अच्छे से छान लेंगे फिर शामिल करेंगे। सबसे पहले हम मैदा डालेंगे, फिर कोको पाउडर, देन बेकिंग पाउडर और लास्ट में हम बेकिंग सोडा भी शामिल करके इसे अच्छे से छान लेंगे। आपने छानना लाजमी है, इससे क्या होगा कि आपकी ब्राउनीज में लम्ब्स नहीं बनेंगे। जी तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने छान लिए हैं। हम पहले इसे हाथ से मिक्स करेंगे, हम इसे डायरेक्ट बीट नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा ये जो मिक्सचर है पाउडर, ये सारा उड़ने लगेगा। तो हम इसे पहले मिक्स करेंगे देन बीट करेंगे। जी तो हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर रहे हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करते जाएंगे और इसे साथ साथ बीट करते जाएंगे। सारा दूध आपने एक साथ शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है और साथ साथ बीट करते जाना है। जी तो ये 1/2 कप मेरे पास दूध था, लेकिन मैं पहले इसको थोड़ा सा शामिल करूँगी, तकरीबन आधा, और देन इसे हम बीट करेंगे। लो स्पीड पे आपने इसे बीट करना है। जी तो 1/2 हम दूध शामिल कर चुके थे, अब जो बाकी का दूध है हम वो भी इसमें शामिल करके अगेन बीट कर देंगे। अब हम इस मिक्सचर को अगेन बीट करेंगे। जी तो हमारा ब्राउनीज बैटर अच्छे से रेडी हो चुका है, बीट भी हो चुका है। अब हम इसे अपने बेकिंग पैन में डाल लेंगे और ओवन भी हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, हमने प्री हीट होने के लिए अपना छोड़ दिया है। और अब हम पहले अपने बैटर को डालते हैं पैन में। हमने पैन पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं हमने इसे ग्रीस ऑयल से ऑलरेडी हम कर चुके हैं और इस पर बटर पेपर भी लगा चुके हैं। अब हम इसमें अपना बैटर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी, तो हमने अपना बैटर डाल लिया। आप देख सकते हैं हमने अपने पैन से बैटर हाफ रखा है ताकि जब ये फूल जाए तो ये ऊपर तक आ जाएगा इजीली। तो अब हमारा ओवन जो है वो भी हमारा प्री हीट हो चुका है, अब हम अपने पैन को ओवन में रख देंगे। जी, तो हमने अपने बैटर को अब ओवन में रख दिया है और अब हम इसे तकरीबन 25 से 30 मिनट तक बेक करेंगे। तो 30 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी ब्राउनीज जो है वो बेक हो चुकी हैं। अब हम टूथपिक टेस्ट करेंगे। ये देखें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन टूथपिक है। अगर आपका बैटर इसके साथ चिपके तो इसका मतलब आपकी ब्राउनीज ठीक से बेक नहीं हुई। तो हमारी ब्राउनीज बेक हो चुकी हैं, अब हम इनके पीसेस कर लेंगे। हमारी चॉकलेट फज ब्राउनी रेडी हो चुकी है, अब हम इसे थोड़ा चॉकलेट सिरप से गार्निश कर देंगे। जी, तो ये थी सिंपल एंड क्विक हमारी ब्राउनी, चॉकलेट ब्राउनी फज की रेसिपी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।